हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है ज्योति मेकिंग में। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी क्रोशी का डिजाइन, क्रोशी कैसे पकड़ा जाता है और इसको कैसे बनाया जाता है। क्रोशी पकड़ने का और बनाने का नियम आप समझ जाएंगे तो इसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे गेंद का डिश हुआ, थाल पुश हुआ, टेबल क्लस हुआ, ऐसे ऐसे आप बहुत सारे सामान बना सकते हैं। इसको मैं पहले बनाने का नियम बताती हूँ। एक पट्टी बना के रखी हूँ, इसको आप देख सकते हैं। पहली बार जो क्रोशी चलाया जाता है तो ऐसे पट्टी बनाया जाता है, पर देखिए मैं आपको बनाने का नियम बताती हूँ। ये मैं ऊन का एक सिरा ली हूँ, इसको पहले ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे करके पकड़ेंगे, उसके बाद इसको इस होके ऐसे करके निकालेंगे, इसको ऐसे पकड़ के घींच लेंगे। देखिए हमारा गांठ बन चुका है। अब मैं इसको 3-4 बार उंगली में ऐसे करके लपेटूंगी और ये देखिए ऐसे करके आगे करके इस क्रोशिए को ऐसे करके लूंगी और इस होके निकाल लूंगी। ऐसे उंगली में लपेट लूंगी और आगे से ऐसे इसको ऐसे पकड़ के ऐसे होके निकालूंगी। देखिए दोस्तों, कुछ भी बनाने से पहले उसका बेस बनाना होता है, बेस बन जाता है जिससे आप बहुत सारे सामान बना सकते हैं। ये देखिए, ये पहले आगे से ऐसे करके लिए हैं और आगे से ऐसे इसको जो है ढीला करके रखना है। इससे क्या होता है, ऐसे आगे से पकड़े और ऐसे करके निकाले, इससे आसानी होती है निकालने में। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए सिकड़ी बनाने के बाद, ये देखिए इस तरह से सिकड़ी, कुछ इस तरह से सिकड़ी बनता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सिकड़ी बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको सिंगल क्रोशिए चलाना बताऊंगी। ये देखिए इसको ऐसे करके ढीला कर लेंगे, उसके बाद इस सिकड़ी में से ऐसे करके इस होके ऐसे घुसाएंगे और इस तरह से उनको आगे से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे आगे से पकड़ के इसको ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसको दूसरी सिकड़ी में से ऐसे घुसाएंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे इसको निकाल लेंगे। देखिए ऐसे पकड़ के इसको ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे। फिर इसमें से इसी तरह पूरी सिकड़ी से ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको ऐसे सिंगल क्रोशिए चलाना बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिंगल कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे पकड़ के सिंगल क्रोशिए कैसे बनाते हैं। इसको ऐसे करके निकालेंगे और इस सिकड़ी में डालेंगे और ऐसे पकड़ के निकालेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमारा सिंगल क्रोशिए इस तरह से बनता है। फिर इससे दूसरी सिकड़ी में डालेंगे और ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे। इसी तरह हम बनाते हैं सिंगल क्रोशिए। अब मैं आपको डबल क्रोशिए बनाना बताऊंगी। सिंगल क्रोशिए हमारा हो गया, इसी तरह से सिंगल क्रोशिए बनाते हैं। ये देख सकते हैं, ये सिंगल क्रोशिए हुआ। अब मैं इसी में आपको डबल क्रोशिए बनाना बताऊंगी। इसको इस तरह से घुमा देंगे, फिर इसको ऐसे करके डबल कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे क्रोशिए पर उनको डाल देंगे और इस सिकड़ी में ऐसे डालेंगे, फिर इस होके ऐसे निकालेंगे, फिर इस होके ऐसे क्रोशिए से आगे से ऊन लेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे निकालेंगे, फिर दूसरी बार इसको डालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। ये हमारा हुआ डबल क्रोशिए। देखिए फिर ऐसे क्रोशिए पर ऊन चढ़ाएंगे, दूसरी सिकड़ी में ऐसे करके डालेंगे और इस होके ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक बार क्रोशिए से ऊन ऐसे चढ़ाएंगे और
ऐसे करके दो निकालेंगे और फिर ऐसे करके ये हमारा डबल क्रोशिए है। इसी तरह से हम डबल क्रोशिए बनाते हैं। ये देखिए अब इससे निकालेंगे तो ये हमारा तीन ऊन हो गया, एक दो तीन हो गया। अब मैं इसको क्रोशिए पे ऐसे करके दो घर लूँगी, फिर दूसरी बार इस पर चढ़ा के ऐसे करके इस पर दो ऊन लूँगी। ये हमारा डबल क्रोशिए हुआ। इसी तरह से हम डबल क्रोशिए बनाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है क्रोशिए चलाना। ये आपको बनाने, ये आपको हो जाएगा पहले सिकड़ी, उसके बाद सिंगल क्रोशिए, उसके बाद डबल क्रोशिए। आप डबल क्रोशिए तक बनाना हो जाएगा आपको बनाया हुआ, तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे थाल पूस हुआ, गेट लेस हुआ, बहुत सारा सामान जो आपको इच्छा हो वो आप बना सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी इससे अच्छा ये क्रोशिए चलाना हो गया, उसके बाद मैं आपको डिजाइन बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं क्रोशिए कुछ इस तरह से चलाया जाता है। अगली वीडियो में आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों इसमें मैं पहली सिकड़ी बनाई हूँ, ऐसे ये नीचे साइड से सिकड़ी बनाई हूँ, उसके बाद एक लाइन सिंगल क्रोशिए है, उसके बाद मैं इस पर डबल क्रोशिए बनाना शुरू की हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से बना है, पहले सिकड़ी, उसके बाद सिंगल क्रोशिए, उसके बाद डबल क्रोशिए। इसी तरह से मैं बनाई हूँ, आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस पे डिजाइन कैसे डाला जाता है और किस तरह से बनाया जाता है।